हेलो एवरीवन, आज जिस हम सॉन्ग का ट्यूटोरियल करने वाले हैं वो है ओ मेरे दिल के चैन। ये एवरग्रीन सॉन्ग है और इस सॉन्ग में हम स्ट्रिंग म्यूटेड स्ट्रमिंग पैटर्न यूज़ करेंगे। ऑलराइट, सो सिंस हम स्ट्रिंग म्यूटेड यूज़ कर रहे हैं इसलिए जो सारे कॉर्ड्स होंगे वो सेकेंड पोजिशन में होंगे। ओके, ओपन कॉर्ड्स नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको दोनों तरीका बताऊँगा, दोनों कॉर्ड्स इन फर्स्ट पोजिशन एंड सेकेंड पोजिशन, जो आपको ईजी लगता है आप यूज कर सकते हैं। रिदम काफ़ी मज़ेदार है, सो आप अभी ट्यूटोरियल में देखेंगे। सो ऑलराइट, सो चलिए फटाफट ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। ये जो गाना है ए माइनर स्केल का है, लेकिन जो स्टार्टिंग में हम ए मेजर से शुरू करेंगे, जो हमिंग पार्ट करते हैं, देन उसके बाद ए माइनर स्केल में चला जाएगा। सो इसमें जो कॉर्ड्स हम यूज कर रहे हैं, जो फर्स्ट कॉर्ड है वो है ए मेजर। ओके, सो यहाँ ओपन ए मेजर कॉर्ड है, लेकिन हम जो यूज करेंगे ए मेजर कॉर्ड यहां सेकंड पोजीशन। आप ऐसे होल्ड कर सकते हैं या दूसरा आप इस तरीका है ए मेजर बार कॉर्ड। ओके, एंड जो नेक्स्ट कॉर्ड है आपका जो हो गया ए माइनर, ओपन ए माइनर कॉर्ड, बट सॉन्ग में हम यहां यूज करेंगे ए माइनर। जहां ए मेजर था वहीं पे ए माइनर, आप ऐसे होल्ड कर सकते हैं या फिर बार कर सकते हैं, ए माइनर बार कॉर्ड। ओके, एंड द नेक्स्ट कॉर्ड सी मेजर, सी मेजर ओपन कॉर्ड यहां पे है, बट जो हम कॉर्ड यूज करेंगे सेकंड पोजीशन में, तो इसको आप ऐसे प्ले कर सकते हैं यूजिंग फर्स्ट एंड थर्ड फिंगर सी मेजर, या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सारे फिंगर यूज करके आप सी मेजर यहां प्ले कर सकते हैं। द नेक्स्ट कॉर्ड एफ मेजर, एफ मेजर को यहां बार भी कर सकते हैं, देन एफ मेजर के बाद जी मेजर, दो फ्रेट नीचे चले गए, जी मेजर हो गया है, या फिर आप जी मेजर बार कॉर्ड यूज कर सकते हैं। ओके, एंड जो आखिरी का कॉर्ड है वो है डी माइनर। सो डी माइनर अगर फर्स्ट पोजिशन में प्ले करना है तो आप यहाँ पे ऐसे प्ले कर सकते हैं डी माइनर, जिसमें हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारे फिंगर को यूज कर रहे हैं, लेकिन इसका एक और आसान तरीका है जिसमें हम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फिंगर को यूज करते हैं यूं। तो ये ओपन डी माइनर कॉर्ड है, लेकिन सॉन्ग में हम यूज करेंगे डी माइनर यहाँ पे, उसको आप बार प्ले कर सकते हैं यूं, डी माइनर बार कॉर्ड। सो कॉर्ड कौन से हो गए, ए मेजर इन सेकेंड पोजिशन यहाँ, देन ए माइनर सेकेंड पोजिशन, देन जी, देन एफ, सी मेजर, एंड देन ओके। सो जो स्टार्टिंग है हमिंग पार्ट ए मेजर से करेंगे, बट जो मेन सॉन्ग है वो ए माइनर में चला जाएगा। ऑलराइट, सो आप तो ये सेकेंड पोजीशन यूज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हम जो स्ट्रमिंग पैटर्न यूज करने वाले हैं वो स्ट्रिंग म्यूटेड। सो स्ट्रमिंग पैटर्न कैसे होगा, बेसिकली इस तरीके से जाएगा। तो इसमें कर क्या रहे हैं, बेसिकली डाउन, इसको दो पार्ट में ब्रेक करते हैं क्योंकि आसान रहेगा, दो पार्ट में इसको ब्रेक कर देते हैं पूरे स्ट्रमिंग को। सो जो पहला पार्ट है इस तरीके से डाउन डाउन स्ट्रिंग म्यूटेड, सो डाउन डाउन स्ट्रिंग म्यूटेड। स्ट्रिंग म्यूटिंग में कर क्या रहे, बेसिकली फिंगर को स्लाइटली लिफ्ट कर दिया फ्रेटबोर्ड से यूं। ओके, फिंगर को लिफ्ट करेंगे तो म्यूट हो जाएगा, लेकिन जब हम स्ट्रमिंग करेंगे तो यहां पे आप टाइम डिले दे रहे हैं, राइट, प्रेस किया एंड देन लिफ्ट किया, म्यूट हो गया। लेकिन जो स्ट्रमिंग पैटर्न में ऐसा होगा, तुरंत जैसे आपने हिट किया उसी तरह से तुरंत उसके बाद फिंगर को लिफ्ट करना है, ये इफेक्ट आना चाहिए। ओके, सो डाउन डाउन, ये पहला पार्ट है डाउन डाउन स्ट्रिंग म्यूटेड। शुरू में ऐसे प्रैक्टिस करें एंड देन उसके बाद म्यूटिंग को तुरंत अप्लाई करें। सो फर्स्ट डाउन है उसको आप बेस स्ट्रिंग में हिट कर सकते हैं, ऊपर के स्ट्रिंग सिक्स फिफ्थ फोर्थ में,
एंड देन आखिरी का डाउन फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ स्ट्रिंग में। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट क्या है? यही है बट उसको थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे। जो पहला डाउन उसके बाद स्ट्रिंग में उठेगा था, ये फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे? डाउन अप एंड देन डाउन, डाउन अप, डाउन, स्ट्रिंग म्यूटेड। सो जो पहला जो डाउन था उसको डाउन अप से रिप्लेस कर दिया। डाउन अप, डाउन अप, डाउन, स्ट्रिंग म्यूटेड, डाउन अप, डाउन, स्ट्रिंग म्यूटेड, पहला पार्ट, ये पहला पार्ट। एंड देन उसके बाद डाउन अप, डाउन, स्ट्रिंग म्यूटेड, डाउन अप, डाउन, स्ट्रिंग म्यूटेड। Down up, down, string muted. Down up, down, string muted. इसको प्रैक्टिस करें। Down up, down, string muted. Down up, down, string muted. दोनों पार्ट को अब साथ रख दिया। Down, string muted. Down up, down, string muted. Right? धीरे-धीरे प्ले करें। आप मेरे साथ भी ट्राई कर सकते हैं प्ले करने का। ओके, ऑलराइट। सो इस सॉन्ग में इस स्ट्रमिंग पैटर्न को यूज करेंगे। सो कॉर्ड्स, स्ट्रमिंग पैटर्न दोनों हो गया। अब चलिए फटाफट सॉन्ग को शुरू करते हैं। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, अपना ही साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए। अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, हाय ऐसे न आहे भरा कीजिए। चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। आपका अरमा, आपका नाम, मेरा तराना और नहीं। इन झुकती पलकों के सिवा दिल का ठिकाना और नहीं। जचता ही नहीं आंखों में कोई, दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, दुआ कीजिए। यूं तो अकेला ही अक्सर गिर के संभल सकता हूं मैं। तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा, दुनिया बदल सकता हूं मैं। मांगा है
खुद ही सनम फैसला कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, होप ये ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको अगला अपडेट मिलता रहे। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।